shall continue our story and we shall discuss the part 3 of the story, the thief story, by written by Ruskin Bond. So let's start, let's continue the story. When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. I had no idea where to spend the night. I had no friend, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone furious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. Now यहाँ पे चोर है, उसके जो स्टॉप हो चुका था, तो ट्रेन क्या है, ट्रेन चली जाती है और वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है, तो अब वो क्या वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा होता है और उसे एक अलग ही फीलिंग होती है। अब उसको उसके पास कोई आइडिया नहीं था, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ पर पूरी रात स्पेंड करेगा। उसे उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, कोई ट्रस्टी फ्रेंड नहीं था उसके जिसको वो ट्रस्ट कर सके, और कोई बिलीविंग फ्रेंड भी नहीं था जो उसकी हेल्प करे ट्रबल में। एंड उसके पास होटल उसके वो होटल में भी जाके नहीं रह सकता था, क्योंकि कभी भी कोई भी पुलिस है या कोई भी उसे पकड़ सकते थे वहाँ पे, और स्टेशन पे स्टेशन के आसपास रहना सेफ नहीं लग रहा था। और वो जिसे एक पर्सन को जानता था जहाँ पर वो रह सकता था वो अनिल था, बट वहाँ से तो उसने रॉबरी की थी, उसको उसने रॉब किया था, इसलिए वो अब वहाँ पर भी नहीं जा सकता है। तो वो धीरे धीरे बाजार की ओर जाता है। इन माय शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस। अब यहाँ पे क्या कहता है वो कि मुझे मैंने जितनी भी चोरियाँ की हैं, मैंने मुझे जो करियर है सिर्फ चोरी वाला थीफ वाला, उसमें मैंने क्या सीखा है, लोगों के फेस को रीड करना सीखा है। यहाँ पे क्या बताया है, मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे कहता है कि जो लोग होते हैं वो किसी भी अपनी चीज़ है उससे खो जाती है या फिर चोरी भी हो जाती है, तो ग्रीडी मैन क्या होगा, उसको क्या होगा, उसको फियर होगा उसकी चीज़ खो जाने से, और जो रिच मैन होगा उनको एंगर मीन्स कि उसको गुस्सा आएगा, वो एंग्री हो जाएगा, और जो पुअर लोग हैं वो किसी चीज़ को खो देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको सिचुएशन को और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग। और आगे क्या कहता है वो, बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पे बात की है ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट है इस स्टोरी का मेन थीम उस ट्रस्ट पे ही है। तो उसे वो अनिल के बारे में बात करता है, अनिल के बारे में क्या कहता है, अनिल का फेस कैसा हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि वो उसके पैसे खो गए हैं, उसे पैसे खोने का कोई दुख नहीं होगा, वो सैड हो जाएगा पर पैसे खोने से नहीं, पर उसका जो ट्रस्ट है वो टूटा है उसकी वजह से, उसने किसी पर ट्रस्ट किया और वो जो पर्सन था उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, इस वजह से वो सैड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि अनिल की क्वालिटी दिखाई है एक, कि वो जो है वो मनी और इन सब मतलब इन सबको है वो ज़्यादा महत्व नहीं देता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो रिलेशनशिप्स है या फिर ट्रस्ट है या फिर काइंडनेस है, उन सबको ज़्यादा वो जनरोसिटी है, हम सबको इम्पोर्टेंस देता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन द ऑन द बेंच, द नाइट वॉज रियली चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट डिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, माई शर्ट एंड पाजामा शूक टू माई स्किन एंड कोल्ड वाइंड ब्लेम रेन अक्रॉस माई फेस। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो एक बेंच पे जाके बैठा था, मैदान में एक मैदान था वहाँ पे बेंच थी, उस बेंच पे जाके बैठता है और वो नाइट के थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, चिली थी बिकॉज ऑफ द नवंबर
एंड नवंबर में जो एटमोसफियर होता है वहाँ का बाकी है उसमें, तो वहाँ पे थोड़ी वहाँ पे जब वो बैठता है डिजल्स एडेड माय डिसकम्फर्ट, और जो लाइट थी वो डिजल्स थी थोड़ी डाइनिंग थी उसको डिसकम्फर्ट फील करवा रही थी, और उस वहाँ पे रेन भी मतलब कि हैवी रेनफॉल भी होने लगी थी, और उसका जो शर्ट और पंजामा था उसकी स्किन से चिपक जाता है क्योंकि वो ढीले हो चुके थे पूरी तरह से, और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा था क्योंकि वहाँ पर पवन जो हवा है एयर है वो विंड वाइंड है वो भी ठंडा था, तो उसका फेस है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लसी हो गया था रेन के कारण ठंड के कारण। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द स्नोज दे वेर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब यहाँ पे जो वो बोलता है कि उसे बाजार की ओर जाना चाहिए तो वो बाजार की ओर जाता है, और हर जो कंट्रीज होती है वहाँ पे क्लॉक टावर होता है, तो क्लॉक टावर है वो मिडल में होता है पूरे जो शहर है उसके, तो वहाँ पे वो सोचता है कि उसके अंदर वहाँ पे मिडल जो क्लॉक टावर है उसके अंदर जाके बैठेगा या फिर उसके पास जाके बैठ जाएगा ताकि उसको जो है रेन से बच पाए और वो कम्फर्टेबल फील कर पाए। तो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे भी जो उसके जो रेन के कारण कपड़े थे वो और उसके जो उसके पास जो नोट थे वो थोड़े गीले हो चुके थे। अब आगे क्या कहते हैं, अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैव इट ऑल, आई कुडंट कुक हिज मेल रन टू द बाजार और लर्न और राइट ऑल सेंटेंस एनीमोर। अब वो यहाँ पे बैठा है तो वो किसके बारे में सोच रहा है, अनिल के बारे में ही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं वो मुझे रोज़ सर मुझे वो मॉर्निंग में क्या देता था, पैसे देता था, कभी कभी मुझे वो सिनेमा देखने के लिए भी पैसे देता था, वो मुझे जो है मेल उसको मैं बनाता था रोज सुबह सुबह, वो उसका रूटीन बताता है कि क्या क्या करता था अनिल के घर पर, और कहता है कि वो मुझे सिखा जो है लिखना भी सिखाने वाला था, सेंटेंसेस लिखना सिखाने वाला था, मतलब कि एजुकेटेड मतलब उसको एजुकेशन के बारे में बताने वाला था, उसे थोड़ा एजुकेटेड बनाने वाला था, वो उसको अच्छा लगता था, मतलब वो क्या सोचता है, आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम टू एक्सक्लाइमेड टू द लिटिल वन सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू 100 rupees, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टेर एंड समथिंग जस्ट सिंपल टू बी फॉर। अब यहाँ पर बोलता है कि शायद मैं अगर लिखना पढ़ना लिखना सीख लेता अनिल के पास से तो मैं ये जो थीवरी करता हूँ रॉबरी करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा पाता। अब उसे अफसोस हो रहा है वहाँ पे कि उसने जो है अनिल का ट्रस्ट तोड़ा है, और वो है जो उसको अनिल ने उसको ऑफर किया था वो भी उसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है कि किसी के यहाँ से चोरी करना और पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। और कहता है बट टू बी वेरी रियली बिग मैन अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब वो सोचता है कि वो अनिल के बारे में सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है, सीरियली में रिस्पेक्टेड है वो, और उसके पास उसको वापस जाना चाहिए और उसके पास से जो है वो रीड करना राइट करना सीखना चाहिए। एंड आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज़ अ मच अर्लियर टू स्टेल समथिंग दैन द रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। आई ओपन द डोर क्वाइटली स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडी मूनलाइट। अब यहाँ पर जो है वो वापस जाता है उसकी जो पर वो थोड़ा नर्वस फील करता था, नर्वस भी फील कर रहा था क्योंकि उसने चोरी की थी वहाँ से। अब चोरी करना तो आसान है पर चोरी की हुई जो चीज़ें हैं या फिर चोरी की हुई मनी है उसको वापस रखना या देना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करते हो, फियर फील करते हो क्योंकि आपको रिजल्ट का पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है इसलिए। और वो मूनलाइट थी क्लाउडी जो है वेदर था और वो धीरे से जो है डोर ओपन करता है एंड अनिल वो स्टिल स्लीप वो अनिल अभी तक सो रहा था। आई क्रैप्ट द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड अप अ मिनट देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीपेड अंडर द विंडो नोट। अब वो है वापस से क्रैप करके आया जो है बेड के पास जाता है वापस नोट रखने वो नोट रख देता है। अनिल का फेस उसकी साइड हो जाए इसलिए उसको उसकी ब्रेथ है उसकी
हाथ पे फील होते हैं, तो जल्दी से जो मैम एक मिनट के लिए वहाँ पर उछलता है तो वहाँ वो अपने नोट्स रख के वापस हाथ अपना ले लेता है। आई वॉक ब्लैक मॉर्निंग टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड ट्री, और फिर वो सुबह को उठता है, फिर वो जाके सो जाता है नोट रख के, फिर वो सुबह को जल्दी उठता है, लेट उठता है और ज़्यादा, क्योंकि वो रात को जाने का भूला तो लेट उठता है और अनिल ने ऑलरेडी सुबह को ट्री बना ली होती है। आई स्ट्रेचेड आउट ऑफ हैंड टूवर्ड मी, और उसने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया, देयर वाज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर। अब जो पैसे थे वो रुपीज के कितने कितने थे, 50 रुपीज के नोट थे और 600 रुपीज थे, उसमें से एक नोट निकाल के जो है अनिल ने उसकी ओर बढ़ाया। माय हार्ट स्नेक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, नोट बिटवीन हिज फिंगर, माय हार्ट स्नेक आई थॉट डिस्कवर्ड द आई हैड बीन डिस्कवर। उसे लगता है, वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अनिल ने उसकी चोरी पकड़ ली है, उसे पता चल चुका है कि मैंने क्या किया था। आई गेट सम मनी यस्टरडे प्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। पर अनिल क्या कहता है, शायद अनिल को पता भी होगा, पर अनिल कैसा रिएक्ट कर रहा है, नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, वो क्या बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मुझे ये जो है कल मिले थे पैसे और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पेड करूँगा, मतलब कि जो तुम काम करोगे उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। माई स्पिरिट सोर्ड वर्ड मैन आई टुक द नोट आई शो इट इज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट। अब वो पैसे लेता है तो कल उसे पता चलता है कि नोट अभी भी थोड़े से गीले हैं, तो उसे पता चलता है कि अनिल को शायद पता है कि कल रात क्या हुआ था, पर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। टुडे वी स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और वो क्या कहता है, अनिल अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखने का स्टार्ट करने वाले हैं। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब उसे पता है पर फिर भी उसके जो एक्सप्रेशन हैं वो कुछ कहता नहीं है, ना ही उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखता है कि उसे पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल माय मोस्ट अपीलिंग वे। अब जैसे कि वो पहले भी ऐसे स्माइल करता था अनिल के सामने उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर से वो अपीलिंग वैसे ही अपीलिंग वे में स्माइल करता है अनिल की ओर, एंड अनिल स्माइल कैन बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अनिल भी उसके सामने स्माइल करता है। सो इन दिस वे वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी है वो उसका जो है वो एंड आ चुका है, तो हमारी स्टोरी जो है उसका मेन थिंग यही था कि किसी की काइंडनेस है या फिर किसी की जेनरोसिटी है वो पर्सन को है थीव जैसे पर्सन को भी चेंज कर सकती है, और ट्रस्ट है वो एक ऐसी चीज़ है, बिलीवनेस है जो है गॉड में है या फिर किसी थिंग में है या किसी पर्सन में है वो है बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो है वो मतलब ये अगर फ्रेम हो पूरी तरह से ट्रस्ट हो किसी पे और बिलीवनेस हो तो वो जो है वो थीफ को भी थीफ जैसे पर्सन को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे थीफ है पूरा चेंज हो जाता है, अब थीफ ने छोड़ देता है और वो कुछ अच्छा काम करने का सोचता है अनिल के साथ रहे। तो यहाँ पे अनिल की जेनरोसिटी ने काइंडनेस ने पॉजिटिव बिहेवियर ने थीफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। तो बी पॉजिटिव इन अवर लाइफ, वी हैव टू बी अ थिंग पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशन। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है, इसका मेन मैसेज भी हमने बताया कि पॉजिटिव रहना चाहिए और काइंड रहना चाहिए और ट्रस्टी भी रहना चाहिए। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अगर नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।